संदीप सोल्ड ए टेलीविजन एट ए लॉस ऑफ 8%। इफ ही सोल्ड इट फॉर 3,360 मोर ही वुड हैव गेन्ड 6%। फॉर हाउ मच डिड संदीप बाई इट? मतलब संदीप ने किसी टेलीविजन को 8% के लॉस पर बेच दिया, उसे 3,360 रुपया अधिक प्राप्त होता यदि वह उसे 6% लाभ पर बेचा होता। तो संदीप ने उस टीवी को कितना में खरीदा था? संदीप ने 8% लॉस पर उसको बेच दिया है। तो संदीप का क्रय मूल्य हम सीपी ऑफ संदीप मान लेते हैं। संदीप का क्रय मूल्य सीपी हम मान लेते हैं 100, ये हमने मान लिया माना। अब देखिए इसको बेच देता है 8% लॉस पर, तो अब इसका एसपी निकाल लीजिए। एसपी बराबर हो जाएगा कितना, 100 - 8 बराबर 92 रुपये में बेचता होगा। 92 में बेचा यदि उसका क्रय मूल्य 100 रहा होगा तब। अब देखिए एक बार उसको 6% लाभ पर बेच के देखिए। अब देखिए एसपी एट 6% गेन, 6% लाभ पर उसको कितना में बेचा होगा, वो 106 रुपये में। आप देखो दोनों का अंतर निकाल लीजिए आप, अंतर मतलब डिफरेंस कितना हो रहा है। अंतर 106 - 92, 814 रुपया अंतर हो गया। आप देखिए यहाँ इसको कितना अंतर मार रहा है, 3,360 रुपया। आप एक एक नियम से इसको आप निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए 14 रुपया, देखिए 14 से हम शुरू करेंगे क्योंकि हमको 3,360 इसके नीचे लिखना है। 14 रुपया इसका अंतर हो रहा है, 14 रुपया अंतर है, तो सीपी हम मान लिए हैं 100, एक में कर देंगे हम कितना, 100 बटे 14, इसलिए अंतर है कितना, 3,360। ये 3,360 इसको यहाँ बैठा देंगे, 3,360, 100 × 3,360 / 14, इसको आप काट दीजिए, सीधे आंसर निकल जाएगा। 14 × 2 = 28, 5 = 56, 14 + 56 = 56, 240 हो गया। तो 240 में आप 2 जीरो लगा बैठा दीजिए, देखिए 24,000 रुपया उसका क्रय मूल्य था। तो देखिए ये बहुत कम समय में बनने वाला है, हम तो थोड़ा प्रोसेस से बना देते हैं ताकि विद्यालय के बच्चे भी अपने क्लास के लिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, लेकिन आपको इतना नहीं करना है। यदि आप कंपटीशन के लिए बना रहे हैं तो आप एकदम सीधे इसको डायरेक्ट ये लिखेंगे, सिर्फ इतना सा भाग लिख के आप काट देंगे, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ये सब आप सब अपना दिमाग में, अपना माइंड में बिठा के रखेंगे कि भाई 100 रुपया है क्रय मूल्य, तो 8% हानि पर बेच रहा है तो 92 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, 6% गेन पर तो 106 रुपया हो जाएगा विक्रय मूल्य, 92 से 6 घटा देंगे कितना हो जाएगा, वही 14 हो जाएगा। तो आप सीधे कर देंगे 14 100 × 3,360 / 14, आधा मिनट में बनने वाला हिसाब है ये।